पूरा टीवी न्यूज जगत या यूं कहें कि मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरफ एग्जिट पोल की गणित में उलझा हुआ था, वहीं ऐसे में मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए एक खौफनाक खबर शुक्रवार सुबह आई। आज तक के मशहूर एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया। ट्विटर पर और मीडिया में जो खबरें हैं उसके हवाले से अगर बात करें तो उनके निधन की दो बातें सामने आ रही हैं, कोरोना और कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया था लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। बाद में सीटी स्कैन में उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। इसके बाद से उनका इलाज चल रहा था। कुछ लोगों का ये दावा है कि उनकी मौत कोरोना की वजह से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई। रोहित सरदाना के सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट करके लिखा कि बहुत ही दुखद खबर आ रही है, टीवी न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें शुक्रवार सुबह हार्ट अटैक आया, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। कई लोगों ने ट्विटर पर रोहित सरदाना के लिए संवेदनाएं व्यक्त की। उनके कई साथी टीवी एंकरों के भी कई मार्मिक पोस्ट ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। न्यूज़ टीवी के लिए ये एक बहुत बड़ी हानि बताई जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया के ये मुख्य एंकर थे, हमेशा वो रोज़ फेसबुक पे लाइव भी आते थे, अपने फैंस का लोगों का कई सवालों के वो जवाब भी देते थे। रोहित का जन्म आपको बता दें कि 22 सितंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद वो हिसार चले गए और गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एडमिशन लिया। पहले उन्होंने मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की, उसके बाद उसी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया। मौजूदा वक्त में रोहित न्यूज़ चैनल आज तक में काम कर रहे थे। इसके पहले उन्होंने सहारा, जी न्यूज़ जैसे संस्थानों में भी सेवाएं दी। 2018 में ही रोहित सरदाना को गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से नवाजा गया था। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।